बड़ा गीत शुरू करेंगे। विजयी विश्वी देखिए, हम बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि हम एक ऐसे गौरवशाली पार्टी के सदस्य हैं जिसका महत्वपूर्ण भूमिका इस देश की आज़ादी के लिए रही। जब कांग्रेस की फाउंडेशन हुई थी तो कांग्रेस ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। आज उस समय लोकतंत्र को बहाल किया जाए देश में, इस बात की लड़ाई लड़ी थी। आज जब हम 2023 में हैं तो हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा खतरा जो है संविधान की रक्षा का और लोकतंत्र की बहाली का है। तो कांग्रेस आज रैली करके फिर कह रही है कि हम हैं तैयार लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए। संविधान में जो सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट राइट लोगों को दिया हुआ है वो है फ्रीडम टू स्पीच का, कि देश के अंदर किसी भी नागरिक को अपनी बात कहने का, अपनी भावनाओं को निकालने का हक है। तो आज तो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही नहीं बोल पा रहे तो आम नागरिक कहाँ से बोलेगा। इसलिए कांग्रेस वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली की झांकी और पंजाब की झांकी को इस बार शामिल नहीं किया जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दोनों को समझना चाहिए। जब उनके MPs को लोकसभा में शामिल नहीं किया जा रहा तो उनकी झांकी कहां से शामिल होगी। सर, एक सवाल है कि दिल्ली सरकार पर सरकारी अस्पतालों में नकली दवाई देने का आरोप लगा है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि ये निश्चित रूप से सीरियस मसला है और इसकी जांच होनी चाहिए, और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए बल्कि इसमें मेडिकल एक्सपर्ट्स की जांच करानी चाहिए कि कहीं और दवाइयां तो ऐसी नहीं है जो नकली हैं। तो ये संवेदनशील मुद्दा है तो इसकी उचित जाँच होनी चाहिए। प्रियंका गांधी को जो समन मिला है उसको कैसे देखें? मेरी नॉलेज में नहीं है।